स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल। जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज। नंबर वन, मोनोसेक्राइड्स। नंबर टू, डाइसैकेराइड्स। एंड नंबर थ्री, ओलिगोसैकेराइड्स। एंड नंबर फोर, पॉलीसैकेराइड्स। फोर टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनोसेक्राइड्स। मोनो मीन्स वन, सिंगल, यू कैन से सिंगल। सेक्राइड्स मीन शुगर। जहां पे एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। इट मीन्स बेसिक यूनिट इसकी क्या है, शुगर है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं इसको, मोनोसेक्राइड्स को, ऑन हाइड्रोलिसिस, सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि इसकी जो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट क्या है, शुगर है, तो हाइड्रोलिसिस पे ये ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। ये एक सिंगल यूनिट ही होती है। इसका जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज CH2O, ठीक है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड की जो फिगर्स है वो इसमें चेंज होती रहती है। अब आगे बात करें मोनोसेक्राइड्स की, तो डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड करके दे आर क्लासिफाइड टू, आगे सब कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, दैट इज ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। ये फर्दर जो मोनोसेक्राइड है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है इसमें, सबसे पहले ट्राइओसिस, कितने कार्बन एटम होंगे, ट्राई मीन्स थ्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। टेट्रोसिस मीन्स फोर कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। उसके बाद पेंटोसिस, फाइव कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, एंड देन हेक्सोसिस, सिक्स कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स की। अब ट्राइओसिस की बात करें, ट्राइओसिस में एग्जांपल जिसके तीन कार्बन एटम है वो डी ग्लिसरोज है। डी ग्लिसरोज का CH2OH, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें, वन टू थ्री फोर कार्बन एटम्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रोसिस। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी इरिथ्रोज। ये डी इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद
राइबोस, पेंटोसिस, फाइव कार्बन एटम्स। ठीक है, इस तरह से डी राइबोस OH, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल CH2OH, नीचे H हाइड्रोक्सिल। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये पांच कार्बन एटम्स है, इसको डी राइबोस कहते हैं, डी राइबोस। ठीक है, उसके बाद जो इसकी लास्ट क्लासिफिकेशन है हेक्सो, जिसमें आ जाते हैं एग्जांपल, इसमें तो जैसे डी राइबोस आ गया, ठीक है, जाइलोज आ गया, अरेबिनोज आ गए, इसके एग्जांपल है। इसके स्ट्रक्चर भी थोड़े सिमिलर ही होते हैं, जाइलोज अरेबिनोज, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम हेक्सोस की बात करें, हेक्सोसिस की, तो इट मींस इसमें सिक्स कार्बन एटम्स हैं। तो सिक्स कार्बन एटम में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था सबसे पहले, वो ग्लूकोज आ जाएगा इसमें, गैलेक्टोज आ जाएगा, मैनोज आ जाएगा, जिसमें सिक्स कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये हो गया हेक्सोसिस। अब आपने ये नोटिस किया होगा मोनोसेक्राइड में जो लास्ट एंडिंग में क्या लगा हुआ है, ओसिस, ओसिस जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ओसिस रिप्रेजेंट करता है शुगर मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शुगर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। सो दीज आर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें डी ग्लूकोज है, डी सोज है, इसका इसमें तीन कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डी इरिथ्रोज है, फोर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोज जाइलोज रेबिनोज, इसमें पांच होते हैं, तो पेंटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो ये देखो CHO, यानी इसमें क्या है अल्डिहाइड, इफ इट कंटेन्स अल्डिहाइड ग्रुप देन इट इज नेम्ड एज अल्डोसिस। अब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम अल्डोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, इफ इट कंटेन्स कीटो ग्रुप, अगर वो कीटो ग्रुप कंटेन करता है, देन दैट फॉर्म इज नोन एज कीटोसिस, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट द मोनोसेक्राइड्स। नाउ मूव टू द सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड कैटेगरी, दैट इज डाइसेक्राइड्स। फ्रॉम द नेम यू कैन एस्टिमेट दैट डाई इज टू, सेक्राइड्स मीन शुगर, टू शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ब्रेकडाउन होता है इनटू टू शुगर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सुक्रोज मैनोज एंड लैक्टोज, सुक्रोज सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। ठीक है, ये एग्जांपल है डाइसेक्राइड्स की। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, हम डाइसेक्राइड्स को अलग कुछ बुक्स में अलग कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये जो डाइसेक्राइड्स है इट कम्स अंडर द ओलिगोसेक्राइड्स। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना, क्रिएट कंफ्यूज मत होना कि ये डाइसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स अलग अलग है या एक ही है। कुछ बुक्स में डाइसेक्राइड्स को शो ही नहीं करा क्योंकि वो ओलिगोसेक्राइड भी कवर कर रखा है, लेकिन आप इसको अलग से भी शो कर सकते हैं या फिर ओलिगोसेक्राइड में भी शो कर सकते हैं। Now move to the third category, or you can say that third classification of carbohydrate, that is oligosaccharides. Oligo यानी 2 to 10 molecules. अगर हम इसकी hydrolysis करते हैं, on the hydrolysis it yields the 2 to 10 molecules of sugar. Molecules of, you can say that monosaccharides. अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ऑन द हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स 2 to 10, 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। इसमें एग्जांपल आया जैसे रेफिनोज, रेफिनोज इसका एग्जांपल है। नाउ This is all about the oligosaccharides. Move to the next classification, that is polysaccharides. Poly means many. Poly means many. On the hydrolysis, it yield
अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, नियर अबाउट 20 तक चला जाता है ये ब्रेकडाउन होने पर, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं लॉट्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर इन्वॉल्व ऑन द हाइड्रोलिसिस, बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट मिलती है एज ए सिंपलर कंपाउंड की तरह इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, कोलेजन हो गया। नाउ अब ये जो पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड इज ऑल्सो क्लास फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है, और ये आगे भी क्लासिफाई की गई है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। दे आर ऑफ होमी पॉलीसेक्राइड एंड हेट्रो पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज, दैट इज होमो होमो पॉली सेक्राइड्स एंड नेक्स्ट इज हेट्रो पॉली सेक्राइड्स। हेट्रो पॉली सेक्राइड्स, तो दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। होमो मींस सेम, पॉलीसेक्राइड्स दीज आर पॉलीसेक्राइड्स। जब इसमें जो यूनिट है जो ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोलिसिस पे, जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिल रही है, वो सारी यूनिट क्या है, सेम है, एक ही मोनोसेक्राइड यूनिट है। मतलब कि शुगर का मॉलिक्यूल है, शुगर में ग्लूकोज है तो वो सारी ग्लूकोज ही है, ठीक है। स्टार्च है तो सारे स्टार्च ही है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, होमो पॉलीसेक्राइड्स। इसमें एग्जांपल है जैसे स्टार्च ग्लूकोजन एंड कोलेजन। एग्जांपल स्टार्च कोलेजन एंड ग्लाइकोजन, ये होमो पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है। हेट्रो पॉलीसेक्राइड में क्या आ जाता है, हेट्रो पॉलीसेक्राइड में हेट्रो मींस डिफरेंट, डिफरेंट डाई सेक्राइड्स, डाई मतलब दो, सेक्राइड्स
हाइड्रोलिसिस पे ये इट यील्ड द टू शुगर मॉलिक्यूल्स दैट आर सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज आर द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स. इन सम बुक्स डाइसैकेराइड जो है वो क्लंप कर रखा है ओलिगोसैकेराइड में ही, लेकिन आप इसको अलग भी लिख सकते हो. नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड्स ऑन द हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकेराइड ब्रेक डाउन होता है मोनोसैकेराइड यूनिट का, दो से लेकर दस मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं इसमें ब्रेक डाउन होने पे, सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं. एग्जाम्पल जैसे राइबोज हो गया. उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स ऑन द हाइड्रोलिसिस पॉलीसेक्राइड्स में क्या मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, 10 से भी ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट देता है, नियर अबाउट 20 के नियर अबाउट देता है. अब ये टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड की सेम तरह की मोनोसेक्राइड यूनिट है, इतनी सारी मोनोसेक्राइड. अब जो पॉलीसेक्राइड है वो एक तरह से जैसे बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट यील्ड करता है, तो वो मोनोसेक्राइड यूनिट जो होती हैं वो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं. अगर सारी मोनोसेक्राइड यूनिट सेम हैं दैट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीसेक्राइड्स. होमो मीन सेम, पॉली मीन्स सो मैनी, सेक्राइड्स मीन यूनिट मॉलिक्यूल्स, मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स. इट रिप्रेजेंट द शुगर. उसके बाद हेक्टोपॉलीसेक्राइड, एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड्स आर स्टार्च ग्लाइकोजन एंड कोलेजन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देता है मोनोसेक्राइड का, देन दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, पॉली मीन्स सो मैनी, एंड सेक्राइड्स मीन शुगर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सो मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम. फॉर एग्जाम्पल हेपरिन हायलुरोनिक एसिड आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपॉलीसेक्राइड यूनिट. Now, this is all about the classification of carbohydrates. Now, move to the structure of carbohydrates. अब हम पढ़ेंगे carbohydrates के structures. Carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या केमिस्ट्री होती है इसकी. इन द स्ट्रक्चर अब इसके डिफरेंट टाइप्स से इसके स्ट्रक्चर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम इसको फिशर प्रोजेक्शन कह सकते हैं. तीन कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है किस वे से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले आ जाता है फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर. फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है. नेक्स्ट वन इज साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइक्लिक स्ट्रक्चर और यू कैन से दैट रिंग फॉर्म, ठीक है. रिंग फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कह सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज एक्सरे डाइफ्रैक्शन. थर्ड वन इज बाय द मीनिंग ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन. तो वन बाय वन करके हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल एक कार्बन की चेन के थ्रू हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे हमने स्टार्टिंग में डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 2 3 4 5 CH2
हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसके बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस वे में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, साइक्लिक प्रोजेक्शन। अगर हम इस तरह से इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो सिंपल एक चेन है, कार्बन की चेन है, और इनके चेन पे क्या अलग अलग क्या बने हैं, ग्रुप्स लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी है ग्रुप्स लगे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। उसके बाद नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, साइक्लिक रिंग बनाते हैं इस तरह से, जैसे ये एच ओ एच एच ओ एच, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसी तरह से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी होता है, ये पेंटा रिंग होती है फ्रक्टोज में, इसमें भी एच ओ एच एच ओ एच लगाकर ये स्ट्रक्चर बन जाता है ग्लूकोज, इधर ये फ्रक्टोज, इसमें भी आप एच ओ एच लगाकर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता कि कौन सा स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस वे में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक बेसिक है आपका, ठीक है। अब एक्सरे डायफ्रेक्शन में दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो चेयर फॉर्म और एक बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म इस तरह से बनता है कुछ, यहाँ पे ग्रुप्स अटैच होते हैं, ये चेयर फॉर्म है, और एक बनता है बोट फॉर्म स्ट्रक्चर, यहाँ भी ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं चेयर फॉर्म, एंड दिस वन इज बोट फॉर्म, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर, इस तरह से एक तो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसको रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, एक्सरे डायफ्रेक्शन वाला स्ट्रक्चर होता है। जो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होता है, फिशर प्रोजेक्शन में एक कार्बन की सीधा चेन होती है, उसके साथ अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटो, जो भी है ग्रुप्स अटैच होते हैं, उसको फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर यही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये रिंग की फॉर्म में होते हैं, इस बंजीन के रिंग बनी होती है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स ऊपर नीचे अटैच होते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ये हेक्सोसिस भी हो सकती है, पेंटोसिस भी रिंग हो सकती है, यानी पांच कार्बन एटम भी हो सकते हैं और सिक्स कार्बन एटम भी हो सकती है। तो ये रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। उसके बाद एक्सरे डायफ्रेक्शन, एक्सरे डायफ्रेक्शन में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो चेयर फॉर्म होती है और एक बोट फॉर्म होती है। मोस्टली ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं आते, आप जो भी अपना बायोकेमिस्ट्री में अपने कोई भी रिएक्शन आप शो करोगे, केमिकल प्रॉपर्टी शो करोगे, तो आप या तो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर से शो करोगे या फिर साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर से शो करोगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर के बाद केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री में किस तरह का ये क्या क्या शो करता है, सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म, किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है केमिस्ट्री में, हम ये कह सकते हैं इट विल शो द आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, इट विल शो ऑप्टिकल एंड
हो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज इट विल फॉर्म हैप्पीमर्स। हैप्पीमर्स की फॉर्मेशन यानी हैप्पीमेरिज्म भी शो करता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म में अगर जनरल बात करें तो इसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। हैप्पीमेरिज्म में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप का इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, इट विल शो द म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन से जो कि स्ट्रक्चर को ही डिफरेंट कर देता है। ठीक है, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आइसोमेरिज्म यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब आइसोमेरिज्म भी दो तरह की होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म है, ये अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। उसके बाद एपिमेरिज्म, एपिमेरिज्म भी शो करता है, मींस एपिमर्स की फॉर्मेशन करता है। कैसे, बाय इंटरचेंजिंग दी ओएच एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप एट डिफरेंट पोजिशन। इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन में भी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। भी केमिकली आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है, एपिमर्स कैसे बनाता है, किस तरह से एपिमर्स की फॉर्मेशन करता है और म्यूटा रोटेशन से कैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो ये आपको इसकी डिटेल विद एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट जो हमने आज किया है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स and the structure of carbohydrates with the chemistry or you can say that chemical properties of carbohydrates that are carbohydrates will show isomerism, epimerism and muta rotation. In detail we will cover this detail of the chemistry of carbohydrates in next lecture.